www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه إلى يوم التناد أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. मोहतरम और मुअज्जज उलमाए किराम, इस मदरसे की तालिबात, मेरे भाइयों और पर्दे के पीछे से सुनने वाली मेरी बहनों, बहुत खुशी और मसर्रत का मौका है कि यहाँ इस मदरसे में, इस इदारे में और इस गांव और आबादी में बुखारी शरीफ के दर्स का सिलसिला शुरू हो रहा है। वाकईतन ये बरकत की चीज़ है इस गांव में और इस आबादी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंतखाब की बात है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस आबादी को चुना, अल्लाह तबारक व ताला ने इस गांव और इस आबादी को पसंद फरमाया। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की नजरे करम इस आबादी पर है, वरना ये चीज़ अल्लाह तबारक व ताला की तौफीक के बगैर और अल्लाह तबारक व ताला की नवाजिश के बगैर अंजाम नहीं पा सकती। ये अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने पसंद फरमाया
और इस आबादी को अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब किया तो ये मुबारक सिलसिला यहाँ शुरू हो पाया। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को बरकरार रखे, इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात से नवाजे, और ये जो अभी पौधे की शक्ल में है अल्लाह तबारक व तआला इसको तरक्की दे करके फलदार दरख्त की शक्ल इनायत फरमाए, और इसके फैज को अल्लाह तबारक व तआला पूरे इलाके के अंदर आमो ताम फरमाए। जो हजरात यहाँ पढ़ते हैं, जो तालिबात यहाँ पढ़ती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी बेहद कबूलियत से नवाजे, और जो लोग इसका इंतजाम कर रहे हैं और हर वक्त इस मदरसे की फिक्र में लगे हुए हैं, दूर दराज मुल्कों में रहते हुए भी यहाँ अपने इस गांव के इदारे के लिए वो हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी खूब कबूल फरमाए, हर तरह की सेहत आफियत से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नवाजे और अपने यहाँ शर्फ कबूलियत से मालामाल फरमाए। मेरे मोहतरम दीनी बहनों और अजीज तालिबात, अभी जो हदीस पढ़ी गई ये बुखारी शरीफ की पहली हदीस है। बुखारी शरीफ ये कुरान करीम के बाद इस आसमान के नीचे और इस रुए जमीन के ऊपर सबसे सही किताब कही गई है। असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, ये हजरत उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला की किताब के बाद यानी कुरान करीम के बाद सबसे सही, सबसे दुरुस्त और सबसे सच्ची और मुअज्जज कोई किताब है तो वो बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम और आपके इरशादात है। कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, कुरान अल्लाह तबारक व तआला के इरशादात का मजमुआ है, और ये बुखारी शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस शरीफा का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम और आपके इरशादात और आपकी बातों का मजमुआ है। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कुरान करीम, और उसके बाद नंबर दो पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का मजमुआ बुखारी शरीफ। इसलिए कहा गया असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, सारी किताबों में सबसे सही किताब अल्लाह के बाद की किताब के बाद अगर कोई है तो ये बुखारी शरीफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके पढ़ने पढ़ाने का हमें मौका दिया, ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला का एहसास है। हमारी अजीज तालिबात को मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पर अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें ये तौफीक बख्शी कि हम असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह की तदरीस का सिलसिला और उसके पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, इसको मिन जानिबिल्लाह समझे, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से समझे और इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। बुखारी शरीफ के लिखने वाले जो है उसको हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो उनका वतन जो था, उनका जो शहर था जहां वो पैदा हुए उसका नाम बुखारा था। समरकंद और बुखारा हम नाम सुनते रहते हैं, वो बुखारा जो रूस से जो जमहूरिया और सारे ममालिक थोड़े सालों पहले अलग हुए उसमें से एक जमहूरिया के अंदर ये बुखारा है, वहाँ ये पैदा हुए, इसलिए उनके वतन की तरफ निस्बत करके वो बुखारी कहलाते हैं, इमाम बुखारी हम उनको कहते हैं। बाकी उनका असल नाम तो मोहम्मद है, अबू अब्दुल्लाह उनकी कुनियत है, अरबों के अंदर नाम के साथ कुनियत का भी रिवाज है। कुनियत उसको कहते हैं कि औलाद में से किसी के नाम के आगे अब लगा देते हैं, अब के माना अरबी में बाप के होते हैं। अब लड़के का नाम अब्दुल्ला है तो बाप को लोग अबू अब्दुल्ला कहते हैं, अब्दुल्ला के बाप। ये अरबों के अंदर
इज्जत के साथ नाम लेने का एक तरीका है, एहतराम के साथ नाम लेने का एक तरीका है। जैसे बड़े आदमी होते हैं तो हम उनको हजरत कहते हैं, मौलाना कहते हैं, मुफ्ती साहब कहते हैं, खाली उनके नाम के साथ नहीं बुलाते, इसलिए कि ये बेअदबी समझी जाती है। हमारे इमाम साहब है तो खाली नाम से उनको नहीं पुकारेंगे, मौलाना कहेंगे या इमाम साहब कहेंगे। ऐसे अरबों के अंदर ये दस्तूर है कि वो किसी बड़े आदमी को पुकारते हैं तो उनके नाम के साथ नहीं पुकारते, उनकी कुन्नियत के साथ पुकारते हैं। और कुन्नियत बनती है औलाद के नाम के साथ अब का लफ्ज लगाने से, मर्द हो तो अब का लफ्ज औरत हो तो उम का लफ्ज लगाते हैं उनके माने माँ के। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की भी कुन्नियत है अबू अब्दुल्लाह। अब इनके कोई औलाद तो नहीं थी, किताबों में लिखा है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लावलद थे, इनके औलाद नहीं थी, तो फिर उनकी कुन्नियत कैसे बनी? कुन्नियत तो औलाद के नाम किससे बनती है? तो इस सिलसिले में उलमा ने लिखा है कि बाज़े मर्तबा जो है किसी की औलाद न हो तो ऐसे ही अब्दुल्लाह का लफ्ज उसके साथ लगा दिया जाता है, और एहतराम से बुलाने के लिए इस तरह अबू अब्दुल्लाह उसकी कुन्नियत करार दी जाती है। जैसे हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी, इनके तो कोई औलाद नहीं थी। एक मरतबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों की तो कुन्नियतें होती है, मेरी तो कोई कुन्नियत नहीं है, इसलिए कि मेरे तो औलाद नहीं है। लोगों के तो औलाद होती है तो वो अपने औलाद के नाम से कुन्नियत बनाते हैं, मेरे तो कोई औलाद नहीं है तो मेरी तो कोई कुन्नियत नहीं है। आपने फरमाया क्या बात है, अब्दुल्लाह जो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भांजे थे, हजरत आयशा की बहन हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये हजरत जुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी है। हजरत जुबैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई होते हैं। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी, उनके बेटे थे हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी ये अहलिया है हजरत अस्मा जो हजरत आयशा की बहन है। यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जुबैर में रिश्ता जो है मामू फूफीजाद का था, और उसके साथ साथ दोनों हम ज़ुल्फ भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जुबैर, हम सारू बोलते हैं गुजराती के अंदर, ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपस में सारू भी थे। तो हजरत आयशा और हजरत अस्मा बहने हैं, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के औलाद थी, और उसमें से एक लड़के का नाम अब्दुल्ला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा अपने भांजे के नाम पर कुन्नियत रख लो, क्या हरज है? तो अबू अब्दुल्लाह उनकी भी कुन्नियत हो गई। ऐसे ही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के अपने कोई औलाद नहीं थी, मगर उनका भांजा भतीजा उसमें से किसी का नाम अब्दुल्लाह होगा तो उस पर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह बन गई। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है, और उनका नाम है मोहम्मद। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद है, उनके वालिद का नाम इस्माइल है। इस्माइल भी हजरत उलमा ने लिखा है बड़े आलिम थे और बलद पाया मुहद्दिस थे, और हजरत हम्माद जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद है, बड़े मुहद्दिस है, उनसे भी जो है इस्माइल ने रिवायत की है, और जो है ये किबार मुहद्दिसीन में से है इस्माइल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद। फिर इमाम बुखारी के दादा का नाम है इब्राहिम, और उनके परदादा का नाम है मुगीरा। उनके परदादा मुगीरा ये मुसलमान हुए थे, पहले ये मजूसी थे, आतिश परस्त जिसको हम पारसी कहते हैं, ये पारसी मजहब रखते थे, क्योंकि वो ईरान के इलाके में और फारस के इलाके में थे, तो वहाँ मजूसी मजहब था। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का खानदान जो था, उनके बाप दादा वो सब पारसी मजहब के थे, लेकिन उनके परदादा मुगीरा ये सबसे पहले मुसलमान हुए इनके खानदान में। उससे आगे उनके जो दादा परदादा थे ये सब पारसी थे, लेकिन उनके खानदान में इस्लाम आया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के परदादा मुगीरा से, इसलिए उनका नसब यहाँ तक बयान किया जाता है अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्ने इस्माइल
इब्न इब्राहिम इब्न मुगीरा, यहाँ तक उनका नस्ब बयान किया जाता है। फिर आगे तो चूंकि उनके खानदान के आबा व अजदाद जो थे वो सब काफिर थे, गैर मुस्लिम थे, इसलिए आगे उनका नस्ब बयान नहीं किया जाता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सन 194 हिजरी के अंदर पैदा हुए हैं। शव्वाल का महीना था और शव्वाल की 13वीं तारीख थी और जुमा का दिन था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई 194 हिजरी, शव्वाल की 13वीं तारीख और जुमा का दिन था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए हैं बुखारा के अंदर, ये बुखारा उनका वतन है और उनकी जाए पैदाइश है, वहाँ वो पैदा हुए हैं। और फिर सन 256 हिजरी के अंदर, सन 256 हिजरी के अंदर इनकी वफात हुई है। उनकी उम्र जो है 62 साल हुई है, 12 दिन कम। 13 शव्वाल को पैदाइश हुई है और 1 शव्वाल को उनकी वफात हुई है, तो 62 साल पूरा होने में 12 दिन कम थे और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वफात हो गई है। तो बहरहाल कुल 62 साल की उम्र इन्होंने पाई है, कोई बहुत बड़ी और बहुत लंबी उम्र नहीं है। मगर इस उम्र में इनके कारनामे अगर देखे जाए तो हमें मानने में नहीं आता कि इतनी कम उम्र में इतना इल्मी कारनामा उन्होंने अंजाम दिया। बुखारी शरीफ जैसी किताब लिखी जो दुनिया के कुरान करीम के बाद सबसे सही तरीन किताब, और इसके सिवा हदीस के उन्होंने बेशुमार किताबें लिखी और बड़े बड़े मुल्कों का और दूर दराज मुल्कों का सफर किया हदीस का इल्म हासिल करने के लिए, पूरी दुनिया के अंदर घूमे। उस जमाने में तो ऐसी सवारियों की सहूलत नहीं थी, पैदल भी जाना पड़ता था, घोड़ों पर ऊँटों पर सवारी करके जाना पड़ता था, सफर बड़ा मुश्किल होता था। मगर लंबे लंबे सफर किए, जहाँ भी पता चला कि कोई मुहद्दिस हदीस पढ़ाते हैं तो वहाँ जाते, दूर दराज का सफर करके उनके पास हदीस पढ़ते। इस तरह कई मीलों का उन्होंने सफर किया है इस छोटी सी उम्र में। फिर इनसे जिन लोगों ने पढ़ा वो भी हजारों लाखों की तादाद के अंदर है। इनसे जिन लोगों ने पढ़ा, जितने लोगों को उन्होंने पढ़ाया वो लाखों की तादाद के अंदर है। तो इतनी छोटी उम्र में कितने काम किए, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हदीस की, बड़ी मेहनत के बाद। बुखारी शरीफ जो लिखी है, हजरत उलमा ने लिखा है कि बुखारी शरीफ के अंदर 9082 हदीसें हैं। कितनी है? 9082 हदीसें इस बुखारी शरीफ के अंदर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जो हदीसें याद थी, उनके जहन में महफूज थी, उसकी तादाद थी 600,000 हदीसें। अब जरा अंदाजा लगाएं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जहन में जो महफूज थी वो 600,000 हदीसें महफूज थी। हाफ़ज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब दिया था, ऐसा हाफ़ज़ा अल्लाह तआला ने दिया था कि कभी उनसे गलती नहीं होती थी। एक मरतबा जो चीज याद कर ली, जिंदगी भर कभी उसमें गलती नहीं हुई। ये जो है उनको अल्लाह तआला ने हाफ़ज़ा दिया था। वाकया है कि ये 10 साल की उम्र इनकी हुई थी और हजारों हदीसें उन्होंने याद कर ली थी। 10 साल की खाली उम्र थी। 10 साल की उम्र क्या होती है? इंतहाई बचपना होता है, कोई शुरू भी नहीं होता। मगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 10 साल की उम्र में हजारों हदीसें याद कर ली थी। 11 साल इनकी उम्र का चल रहा था और ये एक बड़े बहुत बड़े मुहद्दिस थे उस जमाने में। उनका नाम इमाम दाखली था, मुहद्दिस दाखली उनको कहा जाता था। बहुत बड़े मुहद्दिस थे और दूर दराज से लोग उनके पास हदीसें पढ़ने के लिए आते थे। मुहद्दिस दाखली का डंका था उस जमाने में और दूर दूर तक उनके नाम के चर्चे थे कि ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और लोग उनके पास हदीस पढ़ने के लिए आते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके पास, ये बुखारा में ही थे, उनके गाँव में ही थे दाखली, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके पास हदीस सुनने के लिए जाते थे पढ़ने के लिए। हजारों का मजमा होता था दाखली के हल्के हदीस में और हल्के दर्स के अंदर। दाखली सबक पढ़ा रहे थे, जैसे हम लोग बैठकर इस वक्त सबक पढ़ रहे हैं, वो हदीसें सुना रहे थे दाखली, और हजारों शागिर्दों का मजमा बैठा हुआ था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी बैठे हुए थे, तो जो है एक हदीस बयान की इमाम दाखली ने।
हदीस से पहले सनद बयान करते हैं। सनद का मतलब ये होता है कि ये हदीस कैसे हम तक पहुंची। हदीस सुनाने वाला यूं कहता है कि मैंने फलाने से सुना, उसने फलाने से सुना, उसने फलाने से सुना, ये सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता, इसको सनद कहते हैं। इसके बगैर हदीस बयान नहीं की जाती। तो इमाम दाखली ने एक हदीस बयान की और हदीस बयान करने के लिए उसकी सनद बयान की, अन सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम, के मैंने इस हदीस को सुफियान से सुना, सुफियान ने अबू जुबैर से सुना और अबू जुबैर ने इब्राहिम से सुना, ये सनद उन्होंने बयान की। इमाम बुखारी जो उस मजमे में है और सुन रहे हैं, और 10 साल के बच्चे हैं, अभी 11 साल इनकी उम्र का चल रहा है, खड़े हो गए कि हजरत सनद गलत है। छोटे से बच्चे हैं 11 साल के, और इतना बड़ा अपने वक्त का इमाम, अपने वक्त का मुहद्दिस दाखली रहमतुल्लाह अलैह, उनको टोक दिया कि आप सनद गलत बयान कर रहे हैं। इमाम दाखली को ताज्जुब हुआ। वो ऐसे अपने घर के बाहर बैठ करके पढ़ाते थे, तो फौरन उठे घर के अंदर गए। घर में वो उनकी कापी थी लिखी हुई जिसमें ये लिखा हुआ था, उस कापी में जाकर के देखा कि मैंने गलत कहा है, तो बाकी गलत था, उसमें कुछ गलत ही थी। वो बाहर आए, बाहर आकर इमाम बुखारी को खड़ा किया कि तुमने जो कहा कि भाई मैं गलत बयान कर रहा हूँ, वाकई गलत है, लेकिन बताओ सही क्या है। इमाम बुखारी से पूछा बताओ सही क्या है। उन्होंने सनद बयान की थी दाखली ने, अन सुफियान अन अबी जुबैर अन मुगीरा, कि सुफियान अबू जुबैर से और अबू जुबैर इब्राहिम से नकल करते हैं। तो इमाम बुखारी ने कहा कि भाई अबू जुबैर इब्राहिम से कोई रिवायत नकल नहीं करते, तो किससे करते हैं? जुबैर नकल करते हैं इब्राहिम से, अबू जुबैर नहीं। नकल करने वाले का नाम जुबैर है, खाली इतनी गलती थी कि दाखली ने अबू जुबैर बोला था और हकीकत में वो रावी थे जुबैर। इमाम बुखारी ने इस छोटी सी गलती को भी पकड़ लिया, जो अपने वक्त के मुहद्दिस थे उनकी गलती को। ऐसा जबरदस्त हफ्जा अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को मरहमत फरमाया था। तो इमाम के में ये रहा था कि इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें याद थी, और खाली हदीस नहीं, जिसको हम हदीस समझते हैं ना, वो खाली हदीस नहीं होती, हदीस के साथ उसकी सनद भी होती है, जैसे मैंने अभी बयान किया। खाली हदीस नहीं, खाली हदीस के अल्फाज नहीं, ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुंची, इसका भी पूरा सिलसिला, उसको सनद कहते हैं। तो सनद और हदीस दोनों मिला करके 6 लाख हदीसें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को याद थी, 6 लाख हदीसें। उन 6 लाख हदीस में से उन्होंने 9082 हदीस का इंतखाब किया अपनी इस बुखारी में रखने के लिए। 6 लाख में से 9082 बहुत थोड़ी है, 6 लाख में से 9082 बहुत थोड़ी है, मगर 9082 हदीस का उन्होंने इंतखाब किया। बतलाना मैं ये चाहता हूँ आगे की बात कि कैसे उन्होंने इंतखाब किया। इतनी छोटी सी उम्र में देखिए कितने बड़े बड़े काम ये हजरात कर गए। अल्लाह ताला ने इनके औकात में कैसी बरकत इनायत फरमाई थी। ये जो 9082 हदीस उन्होंने निकाली 6 लाख हदीस में से, तो इस तरह से कि भाई एक हदीस वो चुनते कि भाई इस हदीस को अब इस किताब के अंदर रखना है, तो वो ऐसा करते कि पहले गुसल करते, गुसल करने के बाद 2 रकात अदा फरमाते, 2 रकात अदा फरमाने के बाद फिर इस्तिखारा करते कि इस किताब को, इस हदीस को मुझे इस किताब में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इस्तिखारा करते, दिल मुतमईन होता कि हाँ ये हदीस अब किताब में रखी जाए, फिर उस इस किताब के अंदर उस हदीस को लिखते थे। ऐसे 9082 हदीसें उन्होंने इस किताब में रखी। आप अंदाजा लगाओ कितने गुसल किए होंगे इस किताब को लिखने के लिए। 9082 तो गुसल हुए, कितनी रकातें पढ़ी, 2 रकात हर हदीस के लिए पढ़ते थे, कितनी हजारों की तादाद में रकातें हुई और कितने हजारों की तादाद में इस्तिखारे हुए, तब जाकर के ये किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तैयार की। जब इतनी मेहनत के बाद और अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी इबादत के साथ इस किताब को लिखा जाएगा,
तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस किताब को मकबूलियत क्यों नहीं मरहमत फरमाएंगे? इसलिए ये किताब दुनिया की मकबूल तरीन किताब है। इमाम बुखारी ने इतने बड़े अहतमाम से इस किताब को लिखा है और इस किताब को तस्नीफ फरमाया है। बहरहाल ये बड़ी मकबूल तरीन किताब है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शर्फ कबूलियत पाई हुई किताब है। इतने किताबों में वाकयात लिखे हैं, इस वक्त बयान करने का मौका नहीं है। लोगों को ख्वाब आते थे और लोगों को कहा जाता था कि भाई कुरान के बाद रूए जमीन पर सबसे मकबूल और सबसे सही किताब बुखारी शरीफ है। बाजे लोगों को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं कहने लगे, एक बहुत बड़े फकीह थे, फतवा देने का काम करते थे और वो फिका की मसले की किताबों को पढ़ाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उनको ख्वाब में हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि भाई कब तक फिका की किताब पढ़ाते रहोगे, मेरी किताब नहीं पढ़ाओगे? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी किताब कौन सी? तो कहा सही बुखारी, ये मेरी किताब है, उसको क्यों पढ़ाओगे? ऐसे तो बेशुमार ख्वाब है और बेशुमार किताबों के अंदर वाकयात है जो हजरत उलमा ने जिक्र किए हैं। बहरहाल बुखारी शरीफ ये बड़ी मकबूल तरीन किताब है और इस किताब को लिखने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जबरदस्त कबूलियत से भी नवाजा था, जबरदस्त हाफजा भी अल्लाह तबारक व तआला ने मरहमत फरमाया था और इतनी कलील उम्र के अंदर 62 बरस की उम्र आपने पाई और इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, ये अल्लाह के बाद तौफीक बंदे ही कर सकते हैं जिनको अल्लाह तौफीक देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत जिनके शामिल हाल होती है वही लोग ऐसे काम को अंजाम दे सकते हैं। यतीम थे यानी जाहिरी असबाब शुरू में कुछ नहीं थे, इनके वालिद तो बचपने के अंदर इंतकाल कर गए थे, यतीम थे। इनके वालदा ने इनकी तरबियत की, बड़ी इनकी तालीम में इनकी तरबियत में इनके वालदा ने बड़ी मेहनत की और ये जो कुछ बने आगे चल करके वो उनके वालदा की तरबियत की वजह से बने हैं। किताबों के अंदर वाकया लिखा है कि ये बचपन में नाबीना हो गए थे, यानी जब पैदा हुए तो सही सालिम थे, आंखों की बिनाई थी। थोड़े बड़े हुए, 4-5-6 साल की उम्र हुई तो कोई बीमारी आंखों में आई और उनकी रोशनी चली गई, अंधे हो गए बचपन के अंदर। अब यतीम बच्चे और नाबीना, वालिदा को बड़ा फिक्र हुआ कि मेरा बच्चा, इसने तो अभी उम्र की 2-4 बहारें देखी है और नाबीना हो गया, पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगा और इल्म कैसे हासिल करेगा? बहुत फिक्र हुआ वालिदा को। अल्लाह तबारक व तआला से रो रो करके दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे बच्चे की भिनाई लौटा दे, मेरे बच्चे को रोशनी आंख की दे दे। बहुत दुआ करती थी अल्लाह तआला से। एक रात खूब दुआ की, रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और फिर सो गई। ख्वाब में खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम की ज़ियारत हुई और कहा कि तू जो अल्लाह से दुआएं करती है ना अपने बेटे की बिनाई के लिए, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल की और तेरे बच्चे की बिनाई लौटा दी। ख्वाब में यूं कहा। सुबह में बेदार हुई तो बच्चा देखता हुआ था, उसकी आंख की बिनाई लौट आई थी। दुनिया में ऐसा हुआ नहीं करता, जो आदमी नाबीना हो जाए, अंधा हो जाए, उसकी रोशनी कहीं लौटती है क्या? नहीं लौटती। एक मरतबा अंधा हो गया, चला गया, खत्म मामला। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बिनाई इनकी माँ की दुआओं की वजह से वापस लौटा। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ की दुआ में क्या असर होता है और माँ की दुआ में क्या करिश्मा होता है। वो अनहोनी को होनी कर देती है माँ की दुआ। इसलिए कभी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए बल्कि माँ की खिदमत करके हमेशा उससे दुआएं लेनी चाहिए। माँ की दुआ जो बच्चे के लिए निकलती है वो दिल की गहराइयों से निकलती है और असर किए बगैर नहीं रहती। देखिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह माँ की दुआओं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बिनाई लौटा दी, ये बीना हो गए थे। बहरहाल ये थोड़ा सा मैंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तआरुफ पेश किया, थोड़ा सा बुखारी शरीफ का तआरुफ पेश किया। वैसे तो इसकी बड़ी तफसील, इमाम बुखारी के हालात बयान करने जाएं तो घंटों लग जाएंगे, बुखारी शरीफ के मुतालिक बात की जाए तो घंटों निकल जाएंगे। ये थोड़ा सा तआरुफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का और उनकी किताब बुखारी शरीफ का मैंने पेश कर दिया। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बुखारी शरीफ भी कितनी अहम और कितनी मकबूल किताब है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी किस दर्जे के मुहद्दिस थे और कैसा बलद आलिम अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बनाया था।
ये जीता जागता अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का नमूना था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नमूने के तौर पर गोया उनको बनाया था। हफ्जा अल्लाह तआला ने ऐसा दिया था कि किसी आज हम के वाकयात उनके हफ्जे के वाकयात किताबों में पढ़ते हैं तो हमें यकीन ही नहीं आता कि किसी इंसान का ऐसा हफ्जा और किसी इंसान की ऐसी याददाश्त हो सकती है। मगर अल्लाह तआला ने उनको मरहमत फरमाया था, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला को हदीस की हिफाजत का काम लेना था। अल्लाह तआला ने जिस तरह कुरान को महफूज रखा है, इस तरह अहादीस के ज़खीरों को भी अल्लाह ताला महफूज रखना चाहते हैं कयामत तक। इसलिए अल्लाह ने उस जमाने में ऐसे लोग पैदा फरमाए जिनके हाफ़िज़े बड़े मजबूत थे। जितने मुहद्दिसीन, इमाम बुखारी का हाफ़िज़ा तो था ही कमाल का, मगर दूसरे जो मुहद्दिसीन हैं उनके भी हाफ़िज़े बड़े जबरदस्त थे। और एक मर्तबा याद कर लिया उनके जहन से निकलता नहीं था, एक बात उनके जहन में महफूज हो गई, निकलती नहीं थी। अल्लाह ने ऐसे हफ्जे उनको दिए थे, चूंकि अल्लाह ताला हदीस की हिफाजत का काम उनसे लेना चाहते हैं। हमारे ये आखिरी साल में जो किताबें पढ़ाई जाती है, जैसे बुखारी शरीफ, उसमें किताब तिर्मिजी शरीफ भी पढ़ाई जाती है, वो भी इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह के लिए। तिर्मिजी शहर का नाम है तो उसकी तरफ मंसूब होकर वो तिर्मिजी कहलाते हैं। उनके बारे में लिखा है, उनके हफ्जे के बारे में, कि उनकी याददाश्त कैसी थी और उनका हफ्जा कैसा था। एक वाकया उनके हफ्जे का लिखा है कि आखिर उम्र में नाबीना हो गए थे, आखिर उम्र में उनकी बिनाई चली गई थी, नाबीना हो गए थे, उनको नजर नहीं आता था, तो वो बच के लिए जा रहे थे। उस जमाने में तो हवाई जहाज वगैरह तो थे नहीं, जमीनी रास्ते से लोग सफर करते थे ऊंटों पर, घोड़ों पर, तो ये भी काफले के साथ हज को जा रहे थे। ऊंट के ऊपर सवार थे, काफला उनका गुजर रहा था, वो भी ऊंटने के ऊपर, अपनी सवारी के ऊपर सवार थे। तो जब उनका ऊंट उनकी सवारी गुजर रही थी, एक जगह ये ऊंट झुक गए, जैसे हमें कोई चीज लगने वाली हो तो हम झुक जाते हैं उससे बचने के लिए, तो वो भी ऊंट झुक गए। तो देखने वालों को ऐसा लगा कि वो बच रहे हैं किसी दरख्त से, भाई चलते हुए दरख्त आए और उसकी शाखें झुकी हुई है तो हम यूं झुक जाएंगे, तो वो ऐसे झुक गए। हालांकि उनको नजर तो नहीं आता था, वो तो अंधे थे, लेकिन वहां झुक गए। रास्ते में लोगों ने पूछा कि हजरत क्यों झुक गए आपका दरख्त से बचने के लिए। हजरत यहाँ तो कोई दरख्त नहीं है, यहाँ कोई दरख्त नहीं, आप क्यों झुके। तो कहा कि नहीं, आज से 20 साल पहले भी मैंने हज का सफर किया था और इस रास्ते से गुजरा था तो यहाँ दरख्त था। लोगों ने तहकीक की, करीब में जो गांव था वहां गए, वहां से लोगों को बुलाकर लाए तो कहा यहाँ दरख्त था, कुछ साल पहले काट दिया गया। अब उनको वो रास्ते का दरख्त भी याद था। हम लोग तो देखते हैं, सब कुछ होते हैं, दसियों मरतबा रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन हमें रास्ते की सारी चीजें याद नहीं होती। लेकिन उनको 20 साल पहले का रास्ते का दरख्त याद था। 20 साल के बाद हज के लिए जा रहे हैं तो सर झुका लेते हैं। ऐसे हाफ़िज़े अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मरहमत फरमाए थे, इसलिए कि हदीस की हिफाजत का काम अल्लाह तबारक व तआला उनसे लेना चाहते थे। इसी उन्हीं के जरिए से हदीसें हम तक पहुंची है और आज हदीसें अपने अल्फाज के साथ मौजूद है और हम उसको पढ़ रहे हैं। उन लोगों ने मेहनत की थी हदीसों की हिफाजत के लिए, हदीसों को याद रखने के लिए, तो फिर वो हदीसें भी अल्फाज ही बयाई ही हम तक पहुंची है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तरफ से अपनी शायन शान उनको बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। उन लोगों ने हिफाजत हदीस पर मेहनत न की होती तो ये हदीस आज हम तक न पहुंची होती और इस तरह बैठ करके हम हदीस पाक के दर्स से लुत्फ अंदोज न हो रहे होते। ये उनकी मेहनतों का सिला है, उनकी मेहनतों का बदला है और उनके मेहनतों का फल है जो आज हम खा रहे हैं। अल्लाह ताला करोड़ हाँ करोड़ रहमतें उनकी कब्रों के ऊपर नाजिल फरमाए और बेहतरीन बदला उनको बरहमत फरमाए। अब जो हदीस पाक पढ़ी गई है उसकी थोड़ी सी तशरीह आप हजरात के सामने पेश कर देता हूँ। ये बुखारी शरीफ का पहला बाब है, बाबुन कैफ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जमा है, कैसे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही के अहवाल। यानी इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी रिवायतें जिक्र की है कि जिन रिवायतों से ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही उतरती थी वो किस तरह उतरती थी, वही के आने के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत हो जाती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही
कितनी मकदार में, यानी वही के जो अहवाल थे, कैसे उतरती थी, कब उतरती थी, पहली वही कब आई, दूसरी वही कब आई, ये सारे अहवाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस बाब के अंदर जिक्र फरमाएंगे। ऐसी रिवायतें इस बाब के तहत लाएंगे कि जिससे मालूम होगा कि वही के अहवाल कैसे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही किस तरह से आती थी। फिर इसके साथ साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की आयत भी जिक्र फरमाई। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अपनी इस किताब के अंदर आदत रही है कि जब ये कोई बाब कायम करते हैं तो बाब के मुनासिब कोई आयत होती है तो उसको भी जो है जिक्र कर देते हैं। तो यहाँ भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब के साथ एक आयत को जिक्र किया, व कौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन व नबियीन मिन बादी। ये सूरह निसा की आयत है, 162 नंबर की आयत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हमने आपकी तरफ वही की जैसे कि हमने वही भेजी नूह की तरफ और नूह के बाद के नबियों की तरफ। यानी इस आयत को जिक्र करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वही का सबूत कायम करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सराहतन इस आयत के अंदर बयान फरमाया कि हमने आपकी तरफ वही भेजी, और ये वही का भेजना कोई अनोखी चीज नहीं है कि जो आप ही के साथ हुई, इससे पहले भी हमने दुनिया के अंदर नबी भेजे हैं और उन नबियों के ऊपर हमने अपनी वही उतारी है। कुफार चूंकि इनकार किया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरता था तो वो इनकार करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह किसी इंसान के ऊपर जो है अपना कलाम उतारे, इनकार करते थे। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में उनको समझाया है, जवाब दिया है कि भाई कोई अनोखी चीज है कि इसका इनकार कर रहे हो, दुनिया में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी के ऊपर वही उतारी जा रही है। हमने नूह पर भी वही उतारी और नूह के बाद बहुत सारे अंबिया आए, उन सब के ऊपर हमने वही उतारी है, तो कोई दुनिया में पहली मर्तबा नहीं हो रहा है कि किसी इंसान के ऊपर वही उतर रही है कि तुम उसका इनकार करते हो। इसकी मिसाल है दुनिया में, अल्लाह ताला के बहुत सारे नबी दुनिया के अंदर आए, नूह अलैहिस्सलाम आए और नूह के बाद भी अंबिया का एक तवील सिलसिला दुनिया के अंदर आया, उन सब पर अल्लाह तबारक व तआला ने वही उतारी। बहरहाल चूंकि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के उतारने का जिक्र किया है, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वही वाले बाब के साथ इस आयत को जिक्र किया है। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस बयान करते हैं, وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول। إمام البخاري فرماتے ہیں یہ سند ہے، یہاں تک جو میں نے پڑھی یہ آگے جو حدیث آنے والی ہے اس کی سند ہے، यानी इमाम बुखारी बतलाते हैं कि ये हदीस मुझसे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने वास्तों से, यानी मैंने अपने उस्ताद से सुना, उन्होंने फलाने से सुना, उन्होंने फलाने से सुना, ये सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। चुनांचे फरमाते हैं हमसे हजरत हुमैदी ने बयान किया, हुमैदी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। तो इमाम बुखारी फरमाते हैं ये हदीस हमने अपने उस्ताद हुमैदी से सुनी, हजरत हुमैदी ने फरमाया हमसे हजरत सुफियान ने बयान किया, यानी हुमैदी ने इस हदीस को हजरत सुफियान से सुना, सुफियान कहते हैं हमसे यहिया इब्ने सईद अंसारी ने बयान किया, सईद इब्ने यहिया इब्ने सईद अंसारी कहते हैं हमसे मोहम्मद इब्ने इब्राहिम तैमी ने बयान किया, मोहम्मद इब्ने इब्राहिम तैमी कहते हैं कि उन्होंने अलकमा इब्ने वक्कास लैसी से सुना, और अलकमा इब्ने वक्कास लैसी कहते हैं मैंने उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को मिंबर पर फरमाते हुए सुना, वो फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। ये सिलसिला यानी बुखारी ने वो सारे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उन तक ये रिवायत और हदीस पहुंची उसका पूरा सिलसिला बयान कर दिया। ये मजहब इस्लाम का कमाल है कि पूरी सनद और पूरे वास्ते उसमें होते हैं। दुनिया का किसी मजहब इस हद तक महफूज नहीं है। दुनिया के मजाहिब में
तब्दीली हुई, तहरीफ हुई, सौ नागेबा को वज़ाहिर बिगड़ गए, अपनी असली शक्ल पर नहीं है। सौ नागेबा जो गैर आसमानी मजहब है वो तो बातिल है ही, वो तो बकवास और बेकार है, लेकिन जो आसमानी मजहब है, जैसे यहूदियों का मजहब आसमानी है, ईसाइयों का मजहब आसमानी है, वो भी अपनी असली शक्ल पर आज नहीं है, वो बिगड़ गए, वो अपनी असलियत पर है ही नहीं। उसकी वजह यही है कि उसमें सनद और वास्ते नहीं है, वो बातें कैसे यहां तक आई किसी को मालूम नहीं है, इसलिए वो बिगड़ की चली गई। ये हमारे मजहब का कमाल है। कुरान भी, कुरान भले हम पढ़ते हैं मगर जो लोग कुरान पढ़ते हैं वो इस तरह पूरा वास्ता बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मदरसे में खारी साहब कुरान पढ़ाते हैं तो खारी साहब से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद होती है। वो खारी साहब यूं कहते हैं, मैंने अपने फलाने उस्ताद से पढ़ा, मेरे उस्ताद ने उनके फलाने उस्ताद से पढ़ा, उन्होंने फलाने से पढ़ा, ये सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। जैसे ये वास्ता भी बयान किया इसी तरह से, तो हमारा कुरान भी, हमारा हमारी हदीसें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हम तक कैसे पहुंची उसकी तफसील मौजूद है। इसलिए मजहब इस्लाम आज भी अपनी असली शक्ल पर है, उसमें जर्रा बराबर बिगाड़ पैदा नहीं हुआ, और अल्लाह ताला कयामत तक इसकी हिफाजत फरमाएगा। इसमें जर्रा बराबर जो है कोई आदमी चाहे लाख कोशिशें कर ले तब्दीली नहीं कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मजहब इस्लाम के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए और मरते दम तक ईमान और इस्लाम पर अल्लाह तबारक व तआला हमें कायम रखे। बहरहाल ये सदत हुई हदीस की। अब आगे हदीस है, हजरत उमर फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिमरिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه। ये पूरी हदीस है। तर्जुमा सुनिए, अमलों का मदार नियतों के ऊपर है, अमलों का मदार नियतों के ऊपर है। नियत अच्छी अमल अच्छा, नियत बुरी अमल बुरा। नियत एक करिश्मा साज चीज है, अमलों को बदल दिया करती है। आदमी की जैसी नीयत होती है वैसा बज़ाहिर अच्छा अमल हो, लेकिन नीयत खराब है तो वो अमल बुरा बन जाएगा। और अगर बाज़े मर्तबा अमल की शक्ल अच्छी नहीं होती मगर आदमी की नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अमल को भी ठीक कर देते हैं। नीयत में बहुत ताकत है, इसको करिश्मा साज कहते हैं, यानी उसमें ऐसी तासीर है कि वो अमलों को तब्दील कर दिया करती है। तो यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अमलों का मदार नियतों के ऊपर है, जैसा जैसी नियत वैसा अमल। आगे और बात खोली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे के जुमले में समझाने के लिए और वजाहत के साथ आपने फरमाया, वह इन्नमा लिमरिइन मा नवा, अमलों का मदार नियतों पर है, यानी आदमी को वही मिलेगा जो उसने नियत की, जैसी नियत को होगी वैसा फल खाएगा। अच्छी नियत होगी अच्छे फल मिलेंगे, बुरी नियत होगी बुरे फल मिलेंगे। वइन्नमा लिमरिइन मा नवा, और आदमी को वही मिलेगा जो उसने नियत की। ये दूसरा जुमला और पहला जुमला एक ही है, लेकिन दूसरे जुमले में बात को और खोलना चाहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने के लिए। क्योंकि पहला जुमला फरमाया अमलों का मदार नियत पर है, यानी जैसी नियत करोगे वैसा पाओगे, फिर आगे मिसाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात को समझाना चाहते हैं। मिसाल से बात समझ में आती है, जब किसी चीज की मिसाल दी जाए तो बात अच्छी तरह खुल जाती है और जहन में बैठ जाती है, समझ में आ जाती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, जिस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमा रहे थे नियत की, वो जमाना हिजरत का था। लोग मक्का से मदीना हिजरत करके आ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल हिजरत के अमल से दी, क्योंकि एक अमल चल रहा था तो लोगों को बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तीन आदमी है हिजरत करने वाले, मक्का से मदीना जो हिजरत करके आ रहे हैं, तीन तरह के लोग हैं। मिसाल के तौर पर तीन आदमी ने हिजरत की, एक आदमी तो मक्का को अपने वतन को छोड़कर के मदीना इसलिए आ गया कि भाई मक्का में इस्लाम के ऊपर अमल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कुफार सताते थे, नमाज नहीं पढ़ने देते थे, अपने दीन की तबलीग नहीं करने देते थे, तो मक्के में इस्लाम पर अमल ठीक से नहीं हो पाता।
तो उसने मक्का छोड़ दिया और मदीना आ गया ताकि अल्लाह के दीन पर आजादी से अमल कर सके और अल्लाह के दीन की तबलीग भी कर सके, अल्लाह के दीन को फैला सके। इसलिए मक्का छोड़ करके मदीना आ गया, उसकी नीयत ये है। दूसरा एक आदमी मक्के से मदीना आ गया, मक्का छोड़कर मदीना आ गया। क्यों आ गया? दुनिया कमाने के लिए। मिसाल के तौर पर मक्के में उसकी परचून की दुकान थी, परचूरन की दुकान थी, उसकी छोटी मोटी चीजें बेचता था मिसाल के तौर पर। अब मक्के से तो लोग हिजरत करके मदीने जाने लगे, इसलिए गिरकी कम हो गई क्योंकि आबादी कम होने लगी मक्के की। इसलिए जो पहले जो है कमाई होती थी वो नहीं होती, तो उसने सोचा लाओ ना मैं भी मदीने चला जाऊं, वहां जाकर दुकान खोल लूंगा तो फिर आमदनी हो जाएगी। इसलिए उसने मक्का छोड़ दिया और मदीना आ गया, अपनी दुकान लगा दी। तो इसकी नीयत मक्का से मदीना आने की, दुनिया कमाने की, अल्लाह के दीन की खातिर नहीं, दुनिया कमा। यहाँ घर की मंदी हो गई, ठंडी पड़ गई तो मदीना चला गया। तीसरा एक आदमी है कि भाई वो इसलिए मक्का से मदीना हिजरत कर रहा है कि उसे किसी औरत से शादी करनी है और वो औरत मक्के की मदीना चली गई। उसने कहा मदीना जाओ तो मैं शादी करूंगी, तो ये मदीना चला गया मक्का छोड़ करके। तो ये भी इसकी नीयत शादी करने के निकाह कर देखी। ये तीन आदमी है। पहला आदमी मक्का से मदीना गया अल्लाह के दीन के खातिर कि अच्छी तरह दीन पर अमल कर सके, अल्लाह के दीन की तबलीग कर सके, तो वो मक्के से मदीना आ गया इस नीयत से, अल्लाह के दीन के खातिर। दूसरा आदमी दुनिया कमाने के लिए। तीसरा आदमी शादी करने के लिए। आपने फरमाया जिसने जैसी नीयत की वैसा। उसने पहले आदमी ने अल्लाह के दीन के लिए और अल्लाह के खातिर हिजरत की कि भाई मुझे अल्लाह रसूल मिल जाए, मुझे दीन मिल जाए, उसको अल्लाह मिल जाएगा, उसको अल्लाह के रसूल मिलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसको खूब सवाब देंगे, इसलिए कि उसने अल्लाह के दीन के खातिर उसकी हिजरत बहुत ऊंची हो गई, हिजरत का उसका अमल बहुत बड़ा हो गया कि उसको अल्लाह रसूल मिल जाए, वो कामयाब दुनिया में भी और आखिरत में भी। दूसरा आदमी दुनिया कमाने के लिए, तो मिलेगी दुनिया, हो सकता है उसके दुकान चल पड़े और उसको दुनिया मिले, बाकी अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं, दुनिया के लिए। उसने कि उसकी नीयत तो दुनिया की है, तो जैसी नीयत वैसा फल मिलेगा, हो सकता है दुनिया मिल जाए और हो सकता है दुनिया न मिले, मगर अल्लाह तो नहीं मिलेगी, जन्नत तो उसको नहीं मिलेगी। तीसरा आदमी भी शादी करने के लिए आया, हो सकता है वो औरत उससे शादी कर ले, बाकी अल्लाह इसके अमल से राजी हो जाए, ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि उसने अल्लाह की खातिर हिजरत नहीं की, उसने तो औरत के लिए हिजरत की, हो सकता है औरत मिल जाए, बाकी अल्लाह रसूल मिलने वाले नहीं है। ये मिसाल से आपने बात समझाई कि भाई अमलों का मदार नीयतों पर है, यानी जो जैसा करेगा, जैसी नीयत करेगा वैसा पाएगा। फिर आपने मिसाल से समझाया कि देखो भाई हिजरत का अमल है, तीन आदमी हिजरत कर रहे हैं, एक आदमी अल्लाह के दीन की खातिर तो उसको अल्लाह रसूल मिलेंगे, एक आदमी हिजरत कर रहा है दुकान की खातिर, दुनिया कमाने की खातिर, तो फिर दुनिया अल्लाह रसूल नहीं मिलेंगे, और एक आदमी औरत की खातिर हिजरत कर रहा है शादी करने के लिए, हो सकता है वो औरत शादी कर ले, बाकी उसको भी अल्लाह रसूल नहीं मिलेंगे। ये मिसाल से बात समझाई। तो अमल अपनी जाहिरी शक्ल में कितना बड़ा हो, अगर तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है वो अमल तुम्हारे लिए बड़ा नहीं बनेगा और वो अमल अल्लाह के यहाँ सवाब नहीं दिलाएगा। जैसे हिजरत का इतना बड़ा अमल, मगर नीयतें शादी की है, नीयतें दुनिया कमाने की है, तो ये हिजरत के अमल अल्लाह के यहाँ तुमको नजात नहीं दिलाएगा, इससे अल्लाह रसूल राजी नहीं होंगे। तो जैसे नीयत करता है आदमी वैसा वो पाता है और अल्लाह के यहाँ वैसा उसके लिए लिखा जाता है। ये हदीस पाक का खुलासा तर्जमा फिर सुन लीजिए। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना अमलों का मदार नीयतों के ऊपर है और यकीनन आदमी को वही मिलता है जो उसने नीयत की। बस जिस आदमी की हिजरत दुनिया की तरफ हो कि उसको हासिल करे या औरत के लिए हो कि उससे निकाह करे, तो फिर उसकी हिजरत उसी चीज की तरफ लिखी जाएगी जिसकी तरफ उसने हिजरत की है। अल्लाह के उसी की नहीं, दुनिया के लिए की उसका अमल दुनिया के लिए लिखा जाए, औरत के लिए किया औरत के लिए लिखा जाए, और अल्लाह रसूल के लिए किया तो अल्लाह रसूल के लिए लिखा जाए। पाबंदी करता है, चाशनी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, लोग इसको इबादत गुजार कहेंगे,
गलत नियत है, इस नमाज पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। तहज्जुद की नमाज बहुत सवाब है, इशराक की नमाज बहुत सवाब है, चाश की नमाज बहुत सवाब है, लेकिन नियत गड़बड़ है तो कोई सवाब नहीं। जैसी नियत करेगा वैसा मिलेगा। तो इस हदीस का सबक हमारे लिए यह है कि आदमी को हमेशा अपनी नियत को बहुत अच्छा रखना चाहिए। इसके अमल में वजन आता है इसकी नियत से, इसका अमल भी बेवजन हो जाता है इसकी नियत से, और अमल वजनी भी बनता है उसकी नियत से। अच्छी नियत करेगा अमल वजनी बनेगा, रोजा कयामत जब तराजू में रखा जाएगा तो पलड़े को झुका देगा, अमल छोटा सा होगा लेकिन नियत बहुत अच्छी होगी तो छोटे से अमल में भी पलड़ा भरी हो जाएगा। और अगर बड़ा अमल होगा लेकिन नियत अच्छी नहीं होगी, नियत खराब होगी, तो इतना बड़ा अमल भी पलड़े को झुका नहीं पाएगा, कोई वजन पलड़े के अंदर पैदा नहीं करेगा। तो इस हदीस पाक का सबक हमारे लिए यह है कि हमें अपनी नियतों को दुरुस्त करना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए नियतों को। नियतों से ही अमल के अंदर वजन पैदा होता है, नियत खराब होती है तो बड़े से बड़ा अमल भी बेवजन हो जाता है। अब एक बात समझने की, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब की पहली हदीस इस हदीस को बनाया, नियत वाली हदीस को बनाया। 9082 हदीसें हैं, उसमें नंबर 1 पर रखा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस नियत वाली हदीस को। क्यों? पढ़ने वालों को या पढ़ने वालियों को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुतवज्जह करना चाहते हैं कि देखो हदीस पाक का पढ़ना बहुत मुबारक अमल है। आप हदीस पाक का पढ़ने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और बुखारी शरीफ जैसी किताब पढ़ रहे हैं, बहुत मुबारक अमल है, बहुत मुबारक मशगला है और अल्लाह तबारक व तआला को ये बहुत पसंद है। लेकिन इससे पहले अपनी नियतों को टटोल लेना, तुम ये हदीस क्यों पढ़ रहे हो, दीन का ये इल्म क्यों हासिल कर रहे हो, कहीं ये मकसद तो नहीं है कि हम इसके जरिए से दुनिया कमाएं, हम अच्छे आलिम बन जाएंगे तो हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कहीं अच्छी जगह पर इमामत अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी, या हम लड़कियां हैं भाई हम आलिमा बनेंगी बुखारी शरीफ पढ़ेंगी तो हो सकता है अच्छा रिश्ता हमें मिल जाए, कहीं बाहर से हमारा रिश्ता आ जाए, हम मौलवी बने हम बुखारी शरीफ पढ़े तो लोगों के दिलों में हमारी वक़्त बढ़ेगी और अच्छे रिश्ते हमारे लिए आएंगे, अच्छे घर हम जाएंगी, कहीं ऐसा मकसद तो नहीं है। अगर ये मकसद है तो ये सब कुछ बेकार है। चाहे इतना मुबारक मशगला है और इतना मुबारक अमल है हदीस पाक के पढ़ने का, मगर आपकी नियत ऐसी जो है फासिद नियत है तो फिर ये अमल कुछ नहीं है, बेकार है। इसलिए इमाम बुखारी पहले इस हदीस को लाए कि अपनी नियतों को दुरुस्त कर लो, कि ये अहादीस हम इसलिए पढ़ रही है, ये बुखारी शरीफ हम इसलिए पढ़ेंगे कि दीन का सही इल्म हमें हासिल हो जाए, उस पर हम सही अमल करें और हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। बस इसके सिवा कोई मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसूद अल्लाह तबारक व तआला की रजा, कि भाई दीन का इल्म मिलेगा इससे तो हम अमल करेंगे इस पर, और अमल करेंगे तो हमारा अल्लाह हम राजी हो जाएगा और हमें जन्नत से नवाज देगा। बस इसके सिवा कोई नियत नहीं होनी चाहिए। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब की शुरुआत इस नियत वाली हदीस से की है कि भाई पढ़ने वालों, पढ़ने वालियों, इससे फायदा उठाने वालों, अपनी नियतों को दुरुस्त कर लो। बहुत मुबारक मशगला है हदीस पाक के पढ़ने का और हदीस पाक को सीखने का और उसके इल्म हासिल करने का, मगर तब जब तुम्हारी नियतें दुरुस्त हो। इस मशगले से और हदीस पाक को हासिल करने से तुम्हारी नियतें दुरुस्त नहीं है तो फिर सब बेकार है, अल्लाह तबारक व तआला इससे राजी नहीं होंगे और इसकी वजह से तुम्हारी जिंदगियों के अंदर बरकत नहीं आएगी। और अगर अल्लाह को राजी करने की नियत से पढ़ोगे, अल्लाह ताला हदीस की बरकतों से तुमको मालामाल कर देगा और तुम्हारी जिंदगियों को खुशियों से, बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला भर देगा। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हदीस पाक के मशगले के साथ हम लोगों को आफियत से वाबस्ता रखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इत्तेबा हमें नसीब फरमाए, और आज जो ये मुबारक सिलसिला शुरू किया गया है अल्लाह ताला इसको खूब कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इसको जारी और सारी रखे। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया
कि ये सआदत की बात है कि इस आबादी के अंदर हदीस पाक की तदरीस का मदरसा कायम हुआ है, ये सआदत की बात है, खुशकिस्मती की बात है। आप देखिए पड़ोस पड़ोस में बहुत आबादियां हैं, बहुत बस्तियां हैं जी, कई बस्तियां ऐसी हैं जिसमें इस तरह कुरान और हदीस की तालीम का सिलसिला नहीं है। इस बस्ती के अंदर जो बज़ाहिर एक दूर उफ्तादा बस्ती है, अंदर की बस्ती है, मगर यहाँ मदरसा कायम हुआ, हदीस पाक की तदरीस का सिलसिला कायम हुआ। ये ऐसे ही नहीं हो गया, अल्लाह ताला के इंतखाब से हुआ है, अल्लाह तबारक व ताला के चुनने से हुआ है। इसलिए ये सआदत की बात है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र इस पर अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे यहाँ ये मदरसा और इदारा कायम फरमाया, और बिलखसूस बच्चियों का इदारा, लड़कियों की तालीम का इदारा जो कम ही होते हैं आबादियों के अंदर। लड़कों की तालीम के तो बड़े बड़े इदारे हैं हमारे यहाँ, मगर लड़कियों की तालीम के इदारे नहीं है या बहुत कम है, न होने के बराबर है। इस बस्ती में लड़कियों की तालीम का, और वो भी लड़कियों के लिए पूरी तालीम का, फारिग होने की, आलिमा बनने की तालीम का इदारा कायम हुआ, मदरसा शुरू हुआ, बहुत बड़ी शहादत की बात है। वैसे लड़कियां और औरतें आमतौर पर ये समझती है कि भाई हमारी जिम्मेदारी तो घर के कामकाज की है, जो है हम घर के कामकाज करें और हमें अपने औलाद की परवरिश करना है, घर का खाना वगैरह पकाना है, यही हमारी जिम्मेदारी है। यकीनन ये भी औरतों की जिम्मेदारी है कि वो उमूर खानदारी को अंजाम दे, घर के जो कामकाज हैं, औलाद की परवरिश करना, घर वालों के लिए सारा नज़्म व नस्क करना, खाना पकाना वगैरह, ये यकीनन औरतों की जिम्मेदारी है, मगर उनकी जिंदगी का यही एक पहलू नहीं है। उनकी जिंदगी का ये पहलू तो ऐसा है जो मखलूक के साथ जुड़ा हुआ है, जिंदगी का दूसरा भी पहलू है, और वो अहम पहलू है कि अपने रब को राजी करना है। जिस तरह घर के कामकाज करके घर वालों को अपने से राजी रखते हो, अपने से खुश रखते हो, उससे अहम यह है कि परवरदिगार को भी राजी रखना है। अल्लाह की बंदी बनकर के इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारे, अपनी आखिरत के लिए ऐसी तैयारी करे कि खालिक व मालिक उससे राजी हो जाए, ये जिंदगी का अहम पहलू है। पहले वाले पहलू के मुकाबले में ये दूसरा पहलू अहम है कि वो ऐसी जिंदगी गुजारे कि परवरदिगार उससे राजी हो जाए। और परवरदिगार की रजा कब हासिल होगी? जब इल्म होगा। आदमी को पता होना चाहिए ना अल्लाह किससे राजी होता है और किस चीज से अल्लाह नाराज होता है। आलिम ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है, तो अल्लाह को राजी करने का काम कैसे करेगा? इसलिए रब की रजा हासिल करने के लिए इल्म हासिल करना पड़ता है। इसलिए कि जिसके पास इल्म नहीं है वो तो नावाकिफ है, और नावाकिफ आदमी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। घर के करीब भी हो लेकिन उसे पता नहीं है कि घर कहाँ है तो घूमता फिरेगा, मगर घर तक वो पहुंच नहीं पाएगा। और मंजिल का पता है तो लंगड़े गधे पर सवार होगा तो भी पहुंच जाएगा मंजिल तक, टूटी फूटी गाड़ी होगी धक्के मार के भी वो अपने घर तक पहुंच जाएगा अगर उसे मंजिल का पता है। इसलिए इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। जिस तरह मर्दों को जरूरी है कि वो दीन का इल्म हासिल करें, इसी तरह औरतों को भी जरूरी है कि वो दीन का इल्म हासिल करें। आजकल मर्द के पास तो मौके होते हैं दीन का इल्म हासिल करने के लिए, वो मस्जिदों में जाते हैं पांच वक्त नमाज पढ़ने के लिए, तो मस्जिद में कभी कुरान का दर्स होता है वो सुन लिया, हदीस का दर्स होता है वो सुन लिया, बाहर से कोई जमात आई हुई है उसका बयान सुन लिया, कोई शेख आए कोई आलिम आए उनका बयान सुन लिया, तो दीन सीखता रहता है और दीन की बातें सुनता रहता है। मर्दों के पास मौके है, लेकिन औरतें अपने घरेलू कामकाज के अंदर लगी रहती है, उनके पास मौके कम होते हैं। इसलिए जरूरत है कि ऐसे इदारे कायम किए जाएं जिसमें बच्चों की तालीम का इंतजाम हो, अच्छे मोतबर इदारे औरतों की तालीम के, लड़कियों की तालीम के कायम किए जाने चाहिए, ताकि माँ बाप वहाँ अपनी बच्चियों को भेजे और दीन का इल्म उनको सिखाए। ये अलग बात है, ये भी हमारे माशरे और हमारे समाज के अंदर ये अलमिया भी है कि माँ बाप ज्यादातर बच्चियों की तालीम, दीनी तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते। बच्चे को लड़की को तो भेज भी देते हैं, लेकिन बच्ची और लड़की की तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। माँ बाप अक्सर माँ बाप ये तो चाहते हैं कि मेरी बच्ची
एमए करें, बीए करें और जो है दुनियावी तालीम के अंदर आगे बढ़े, मगर कम ही माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चियों की दीनी तालीम की फिक्र करते हैं। बहुत कम माँ बाप है। ये हमारे समाज का और हमारे माशरे का अलमिया है कि बच्चियों की दीनी तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, हालांकि बच्चियों की दीनी तालीम बहुत जरूरी और बहुत अहम है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मर्दों के मुकाबले में औरतों को दीनी तालीम बहुत एहतमाम से दिलानी चाहिए, इसलिए कि अच्छा माशरा जो बनता है वो औरतों के तालीम याफ्ता होने से बनता है। एक घर में मर्द दीन की तालीम हासिल किया हुआ है लेकिन औरत दीन की तालीम हासिल की हुई नहीं है, वो जहालत पर है, तो मर्द लाख जतन कर लेगा घर का माहौल बनाने के लिए लेकिन उसके घर का माहौल नहीं बनेगा, इसलिए कि वो औरत जाहिल है, नाखानदार, दीनी तालीम उसके पास नहीं है, वो बेचारी दीन पढ़ी हुई नहीं है, घर का माहौल नहीं बन पाएगा। इसलिए हम अच्छा माशरा चाहते हैं, इस्लामी माशरा, दीनी माशरा, तो हमें अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दिलानी चाहिए। हजरत सहाबिया, हजरत सहाबा का जो माशरा और समाज बहुत पाकीज़ा माशरा था, उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि हजरत सहाबिया बहुत ज्यादा दीनी एतबार से तालीम याफ्ता थी। जो हजरत सहाबे की औरतें थी सहाबियात, वो दीनी तालीम से के मुकाबले दीनी तालीम के अतबार से बहुत ऊंचे मकाम पर थी। आपको एक बात बताऊं, ताज्जुब होगा, हजरत सहाबे इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तादाद जो है 1,24,000 तकरीबन थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए दुनिया से तो तकरीबन 1,24,000 सहाबे इकराम थे, उसमें से 140 सहाबा अस्हाबे फतवा कहलाते थे। अस्हाबे फतवा यानी 140 सहाबा ऐसे थे जो फतवा देने का काम करते थे, दूसरे सहाबा भी मसले उनसे पूछते थे। सहाबा को भी अगर मसला पूछना होता था तो उनसे पूछते थे, यानी मुफ्ती थे 140। उन 140 में से भी 18 बहुत बड़े मुफ्ती थे जी, सबसे टॉप के मुफ्ती थे हजरत सहाबा में 18 140 में से। यानी ये जो असहाबे फतवा कहलाते थे वो भी बास चीजों में इनसे रुजू करते थे और इनसे पूछते थे। इन 18 सहाबा जो सबसे बड़े फतवा देने वाले और सबसे ज्यादा शरीयत के मसाइल को जानने वाले, उनमें से एक हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, यानी इस उम्मत की मुफ्तिया थी ये औरत जी। तो हम हकीकत औरत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजे होता करा, 18 टॉप मुफ्तियों में इनका नाम आता था, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बड़े बड़े सहाबा भी इनके पास जाते थे हदीस सुनने के लिए, दीन सीखने के लिए, मसले पूछने के लिए, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास। इतनी तालीम याफ्ता थी हजरत सहाबिया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी, कितनी ऊंची औरत, इस्लाम को इनके जरिए से सहारा मिला जी। इनके जरिए से इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही आई गारे हिरा में, 5 आयतें पहली मरतबा उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें कुरान की पहली आयतें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, यहाँ से कुरान का उतरना शुरू हुआ गारे हिरा के अंदर। आपने सुना होगा वाकया तो बुरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डर गए थे, इसलिए कि हजरत जिब्रील ने आपको 3 मरतबा दबाया था, उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक खौफ तारी हो गया था। जल्दी जल्दी घर आए और हजरत खदीजा से कहा, जम्मीरूनी, बहुत कांप रहे थे, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। हजरत खदीजा ने कंबल ओढ़ा दी, फिर उसके बाद वो कब कभी खत्म हुई थोड़ी देर के बाद। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कारगुजारी उनको सुनाई कि आज मेरे साथ साथ ऐसा हुआ, और फिर ये आयतें उतरी, ये भी सुनाई। यहाँ एक बात और कह दूं कि सबसे पहले कुरान इस उम्मत में जिसने सुना वो एक औरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ये 5 आयतें उतरी, आपने सबसे पहले किसको सुनाई? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ये शर्फ भी औरत को हासिल है कि कुरान इस दुनिया में सबसे पहले किसी ने सुना तो वो औरत ने सुना है। अल्लाह तबारक व तआला कितना जबरदस्त काम औरतों से लेना चाहते हैं वो इस रिवायत से साबित होता है। खैर, आपने वो बात पूरी सुनाई, वही भी सुनाई,
और फिर बात पूरी सुनाने के बाद ने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगा। ने ऐसा कहा क्योंकि वो जो वाकया पेश आया था आपके साथ वो बड़ा जबरदस्त वाकया था, उसकी वजह से बहुत डर गए थे। तो आपने फरमाया मुझे अपनी जान का अंदेशा है। तो हजरत खदीजा ने कहा कि नहीं आप ऐसी बात न बोलो, आपके काम कितने अच्छे हैं, आप रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं, रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, आप जो है नादार आदमी की मदद करते हैं, आप जो है मोहताज लोगों के लिए कमाते हैं, जब कोई मेहमान आता है तो उसके मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते, जब कुदरती आफात आती है तो आप लोगों की खूब मदद करते हैं, आप तो ऐसे ऐसे मखलूक को फायदा पहुंचाने के काम करते हैं, ऐसे आदमी को अल्लाह दुनिया से बुला देगा, जाये कर देगा? नहीं नहीं नहीं, आपको अल्लाह तबारक व तआला जाये नहीं करेंगे, आप तसल्ली रखो। हजरत खदीजा ने कुछ ऐसे अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली आ गई, वो जो एक किस्म का डर था वो खत्म हो गया जी। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू की तो सारे मक्के वाले दुश्मन हो गए, आपके जो रिश्तेदार थे वो भी आपके जान के दुश्मन हो गए। शुरू में अगर कोई आपके साथ था तो हजरत खदीजा साथ थी, घर के लोग भी सब अलग हो गए थे, वो भी सब दुश्मन हो गए थे, लेकिन हजरत खदीजा बिल्कुल आपके साथ खड़ी रही और आपको हर वक्त हौसला और तसल्ली देती रही। तो शुरू में हजरत खदीजा का ये तआवुन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल हाल रहा, तो फिर अल्लाह ताला ने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया। इस्लाम के फैलने में सबसे पहले अगर किसी की कुर्बानी है और किसी का तआवुन है तो वो एक औरत का, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का है। ऐसे तो बेशुमार वाकया थी, सबसे पहले शहादत, इस दीन की खातिर सबसे पहले किसी ने शहादत दी, अपनी जान दी, तो किसने दी? हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दी, वो शहीद हुई है औरत। तो इस दीन के लिए सबसे पहले कुर्बानी, सबसे पहली जान देने वाली, सबसे पहले शहादत पेश करने वाली औरत है हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा। ये जब औरतों में दीनी जज्बा होता है तो सारे माहौल की काया पलट जाती है, सारा माशरा पाकीज़ा बन जाता है। इसलिए माशरे के अंदर औरतों का तालीम याफ्ता होना नहायत ज़रूरी है। औरतें तालीम याफ्ता होंगी तो फिर माशरे का नक्शा बदल जाएगा, पाकीज़ा माशरा हो जाएगा, दीनी माशरा हो जाएगा। और अगर औरतों में दीन नहीं है, औरतों में दीनी तालीम नहीं है तो फिर वो माशरा कभी दीनदार नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों बहुत ज़रूरत है ऐसे इदारों की, गांव-गांव ऐसे इदारे कायम किए जाएँ जिसमें औरतों की बच्चियों की तालीम का माकूल नज़्म हो। मकातिब तो हमारे यहाँ होते हैं, उसमें बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, लेकिन मकतब की तालीम बहुत महदूद होती है, कुरान करीम ख़त्म कर लेती है, बच्चियाँ सियानी हो जाती हैं, फिर मदरसे से उठा ली जाती है। लेकिन आगे की तालीम कि भाई मसाइल का इल्म हो, उसको अपनी ज़िंदगी दीन के मुताबिक गुजारनी है, वो मसाइल नहीं जानेगी तो कैसे अपनी ज़िंदगी दीन के मुताबिक गुजारेगी, वो अपने औलाद की तरबियत किस तरह से करेगी जो मसाइल से वाकिफ नहीं है। इसलिए ऐसे इदारे होने चाहिए जिसमें मकतब के बाद की तालीम जो है बच्चियों को दी जाए, कम से कम इतनी तालीम के जिससे दीन पर अमल करना उनके लिए आसान हो जाए और वो दीनी जिंदगी अपने गुजार सके और आगे अपने औलाद की भी दीनी तरबियत कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेदारी हमारे लोगों में आई है और ऐसे इदारे और ऐसे मकातिब गांव-गांव कायम हो रहे हैं, मगर अभी बहुत थोड़ा है, आटे में नमक के बराबर है, और ज़रूरत है। जैसे स्कूल गांव-गांव है, छोटा गांव होता है तो भी स्कूल तो होती है, और बड़े गांव होते हैं तो दो दो तीन तीन स्कूल है, और शहरों में तो मोहल्ले मोहल्ले में स्कूलें होती है। तो जैसे स्कूलें हैं असली तालीम के इदारे हैं, वैसे दीनी तालीम के भी इदारे होने चाहिए और बिलखसूस औरतों की तालीम के इदारे। और आजकल के माहौल में जो माहौल इंतहाई फहाशी का हो चुका है, बेहयाई बेशर्मी का हो चुका है, बेपर्दगी का हो चुका है, ये मोबाइल ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया है, माहौल बड़े खतरनाक हो गए हैं, अपने औलाद की हिफाजत नहायत मुश्किल हो गई है। तो ऐसे हालात में तो बहुत ज़रूरत है कि हम ऐसे दीनी इदारे कायम करें, ये पढ़ेंगे इन दीनी इदारों में कुरान को, हदीस को, दीन की तालीम को, तो गुमराही से इनकी हिफाजत हो जाएगी, अल्लाह रसूल का नाम इनके दिलो दिमाग के अंदर रासिख हो जाएगा दीनी तालीम की वजह से, तो फिर ये गुमराह नहीं होंगे। नहीं होंगे
अपने आप की हिफाजत करेंगे, अपने आप को गुमराह होने से बचाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमारी नस्लें इर्तिदाद के राह पर चल पड़ी हैं। दीन से बेजारी और दीन से मुर्तद होना ये हो रहा है आजकल। इसकी हिफाजत का एक ही रास्ता है कि हम अपने बच्चों को दीनी मदरसों में भेजें, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम हम दिलवाएं, कुरान और हदीस से उनको आशना कराएं, तो ही इनके दीन की हिफाजत होगी, वरना इनका दीन महफूज नहीं रहेगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, जो बातें कही गई उस पर अमल करने की मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी तौफीक अता फरमाए। मैं दोबारा आप हजरात से अर्ज करता हूँ, इस मदरसे की कदर करें। आप लोग खुश नसीब है, यहाँ आपके इदारे में ये मदरसा कायम हुआ है, और कदरदारी का तरीका ये है कि आप अपने बच्चियों को इस इदारे में तालीम के लिए भेजें। ये इस इदारे की कदरदारी है। ये इदारा कायम इसलिए किया गया है कि बच्चियाँ यहाँ पढ़ें, तो आप अपनी बच्चियों को भेजें, खुद भी भेजें, अपने रिश्तेदारों की बच्चियों को, अपने दोस्त अहबाब की तश्कील करें कि भाई अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाओ। असली तालीम से इनकार नहीं, जरूरत के मुताबिक असली तालीम भी देनी चाहिए। हमारे समाज को, हमारे माशरे को डॉक्टर की भी जरूरत है, अच्छे वकला की भी जरूरत है, अच्छे इंजीनियर्स की भी जरूरत है, और जिस तरह मर्दों में जरूरत है औरतों में भी जरूरत है, वो भी हमें दिलवानी है, मगर दीनी तालीम नंबर एक पर। अगर दीनी तालीम के साथ वो असली तालीम हासिल करेंगे, इनकी हिफाजत रहेगी, ये गुमराह नहीं हो पाएंगे। और अगर इससे कुरान रखा और असली तालीम दिलवाई, तो आपने इसको गुमराही के रास्ते पर डाल दिया। इसलिए मेरे भाइयों, आज की इस मजलिस से ये अजम करके जाएं कि हमें अपने बच्चों को भी और अपनी बच्चियों को भी दीनी तालीम इंशाअल्लाह अजीज दिलवानी है। और ये तो हमारे आंगन में आ गया दीनी तालीम का निजाम, कोई मुश्किल भी नहीं है, हमारे आंगन में है, कितना आसान हो गया। ना हमें किसी मदरसे में जाकर के दाखिल करना है, रखना है। अगर आप किसी हॉस्टल में जाकर के रखें, हर वक्त आपके जहन पर फिक्र सवार है कि भाई बच्ची कैसी होगी, क्या कर रही होगी, पता नहीं। वैसा तो है नहीं, आपके निगाहों के सामने आपके घर आंगन में ये मदरसा अल्लाह ताला ने आपको इनायत फरमाया है। इसकी कदर कीजिए और अपने बच्चियों को इसमें दाखिल करके दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए। मेरे भाइयों, बच्ची के लिए, लड़की के लिए दीनी तालीम से कीमती जेवर दूसरा नहीं हो सकता। किस माँ बाप की ख्वाहिश नहीं होती कि अपनी बच्ची को कीमती से कीमती जेवर दे। जब अपने घर से रुखसत करे तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मैं जितना कीमती जेवर अपनी बच्ची को दे सकता हूँ दूँ। मेरे भाइयों, अगर आप अपनी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, अपनी बच्ची को कुरान की तालीम दिलवाओ, हदीस की तालीम दिलवाओ, इससे कीमती जेवर बच्ची के लिए दूसरा नहीं हो सकता। पहले जमाने में किताबों में लिखा है, जब प्रेस नहीं थे और कुरान करीम छपते नहीं थे, तो कुरान करीम हाथ से लोग लिखते थे अपने अपने तौर पर। लोग अपनी बच्चियों को घरों में कुरान लिखना सिखाते थे, और वो पूरा कुरान घर के कामकाज के साथ अपने हाथ से लिखती थी पूरा कुरान। और फिर जब बच्ची का रिश्ता आता था तो माँ बाप फखर के तौर पर यूं कहते थे, मेरे बच्ची को कुरान लिखना आता है और उसने पूरा कुरान लिखा है। जैसे बच्ची का रिश्ता आता है तो औसाब कहलवाते हैं, मेरी बच्ची ऐसी है, मेरी बच्ची ऐसी है। तो उस जमाने में लोग यूं कहते थे कि मेरी बच्ची को कुरान लिखना आता है और अपने हाथ से इसने पूरा कुरान लिखा है, यूं माँ बाप जो है कहते थे। और जब बच्ची ब्याह करके अपने ससुराल जाती थी तो वही कुरान उसके हाथ का लिखा हुआ उसको माँ बाप तोहफे के तौर पर देते थे। तो ये मेरे भाइयों, ये बच्चियों के लिए सबसे कीमती जेवर है दीन की तालीम, कुरान की तालीम। आप अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं कि अपनी बच्ची को कीमती से कीमती जेवर दे, तो इस मदरसे में दाखिल करें और दीन की तालीम से इसको आरास्ता करें। जिन लोगों ने ये इदारा कायम किया है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से बेहतरीन बदला इनको बरहमत फरमाए। हजरत मौलाना रियाजुल हक साहब जो इंग्लैंड में रहते थे वतन से कोसों दूर, मगर अपने वतन की उन्होंने फिक्र करके इस इदारे की दाव बेल डाली, और फिर इनके बच्चों ने, इनके औलाद ने इस इदारे को उठाया और यहाँ इल्मी तालीम का सिलसिला शुरू किया। ये वतन के साथ मोहब्बत की अलामत है कि मेरे वतन के लोग दीनदार बने, दीनी तालीम को हासिल करें। वतन के लिए कुरान और फिक्र की बात है तो उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। अल्लाह ताला हजरत मौलाना रियाजुल हक साहब पर भी करोड़ हाँ करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए और उनके औलाद को भी खूब जजाए खैर दे। और जो लोग इसमें पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, जो लोग जिस तरीके से इस मदरसे का तआवुन कर रहे हैं,
हरेक को अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन बदला बरहमत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपनी कबूलियत से नवाजे, आमीन। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله تو ہماری سات فضلوں کا لبکا معاملہ فرما، ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ بہت گنہگار ہیں، بہت خطاکار قصوروار مجرم و سیاہکار ہیں. اے اللہ تو ہماری ساری سیاہکاریوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہماری ساری سیاہکاریوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے. یا اللہ اپنے رضامندی والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے ناراضگی والے کاموں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس پوری مجلس کی مغفرت فرما، ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما، ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما. اے اللہ اس ادارے کو دن دنی رات چوری طرح تحاظ سے مالا مال فرما. اے اللہ اس ادارے کو تعلیمی اور تعمیری ہر طرح کے طرح تحاظ سے مالا مال فرما. اے اللہ اس ادارے کی شرارتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے اللہ تو اس کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ اس ادارے کو مخلص کام کرنے والے پر رحمت فرما. اللہ اس ادارے کے پڑھنے والوں والیوں کو، پڑھانے والیوں کو، یا اللہ اس کے منتظمین کو، یا اللہ جو لوگ اس کا جس طریقے سے تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہر ایک کو بے حد قبول فرما. یا اللہ ہر ایک کو اپنی شان نشان بہترین بدلہ نصیب فرما. یا اللہ دنیا میں تیرے دین کا کام جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے، یا اللہ اس تنظیم کی، اس ادارے کی، یا اللہ تو حفاظت فرما، یا اللہ تو حفاظت فرما. یا اللہ، یا اللہ تو ہم سبوں کو یا اللہ مرتے دم تک یا اللہ اشاعت دین کے ساتھ وابستہ فرما. یا اللہ علم حدیث کے مبارک مشغلے کے ساتھ وابستہ فرما. ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ ہم پر فضل فرما کر یا اللہ خدمت حدیث کے ساتھ ہمیں عافیت کے ساتھ وابستہ فرما. یا اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. یا اللہ جو جس پریشانی کا شکار ہے، یا اللہ اس کی اس پریشانی کو ختم فرما، عافیت چین سکون نصیب فرما. یا اللہ جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے، یا اللہ تو اس کو پورا فرما. یا اللہ بہت سو کے دلوں میں وہ تمنائیں ہیں جو اپنی زبانوں پر نہیں لا سکتے، یا اللہ تو دلوں کی بھی خوب جانتا ہے. یا اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما. یا اللہ بخاری شریف کے درس کا سلسلہ جو آج شروع کیا گیا ہے، یا اللہ تو اس کو جاری اور ساری فرما. یا اللہ تو اس کو جاری اور ساری فرما. یا اللہ جو طالبان اے اللہ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کو قبول فرما اور ان کے لیے اس سلسلے کو جاری رکھنا آسان فرما. اے اللہ ہر طرح کی سہولیات ان کے لیے مقدر فرما. اے اللہ اپنے دین متین کا علم تو ان کو نصیب فرما. اے اللہ شریعت کا علم تو ان کو نصیب فرما. اے اللہ یہاں کی طالبات کو قبول فرما، یہاں کے معلمات کو قبول فرما، یہاں کے معلمین کو قبول فرما، یہاں کے منتظمین کو قبول فرما، یہاں کے معاملین کو قبول فرما. یا اللہ جو اس ادارے کا جس طرح سے بھی نام درہ میں سکون قدم تعاون کرتا ہو، یا اللہ ہر ایک کے تعاون کو از حد قبول فرما اور آخرت میں ان کے لیے ذریعہ نجات بنا. یا اللہ ہم سبوں کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما، جو مانگا وہ بھی مرحمت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مرحمت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طہیر کا قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و اولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.